मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो राजस्थान सरकार द्वारा जो आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कंपनी को फायदा ये हो रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट को एक्सेस कर सकते हैं और कैंडिडेट को ये फायदा हो रहा है कि वो रेज्यूम की बजाय वो फिजिकली प्रेजेंस होकर अपना टैलेंट जो है वो कंपनी को दिखा सकते हैं। इतने बड़े लेवल का जॉब फेयर मैंने राजस्थान सीकर में ही देखा है। Our honorable chief minister has given directions that such job fair has to be organized at district level and at division headquarters. So in this series we are organizing this job fair in Sikar. Rajasthan government ki taraf se ye jo arrangements hain plus ye job fair kara hai iska jo management hai it's very good. Ye hame kafi help kiya, theek hai, interview conduct karne ke liye. Rajasthan government ne jo isko identify karke isko samajh ke इस टाइप का एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया है, मैंने वो किसी और स्टेट में देखा नहीं है और इतनी हाई अटेंडेंस में नहीं देखा है और इतनी अच्छे से इसको जो ऑर्गेनाइज किया ये मैंने नहीं देखा है। राजस्थान हैज बीन फैंटास्टिक एंड इट्स द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड फेयर। कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी को और आईटी के क्षेत्र को राजस्थान में विशेष रूप से समझने वाले सम्मान्य अखिल अरोड़ा जी को ढेर सारा साधुवाद देता हूँ। ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम अभी मेरी लाइफ में कि सीकर जैसी जगह में पहली बार जॉब फेयर देखा है। आई होप ये हर ईयर लगना चाहिए तो इससे लोगों को यहाँ के राजस्थान झुंझुनू जिला जैसे सीकर जिला जैसे लोगों को रोजगार की सुविधा हो। राजस्थान सरकार अच्छा कर रही है पर ऐसे ही आगे करते रहे, लोगों की जो भावनाएं और जो एक्सपेक्टेशन है वो उसको पूरा करते रहे। मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई और इसके लिए वसुंधरा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसे जॉब फेयर लगते रहे आगे तक। यहाँ करीब 15,000 से अबव लोग आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बेरोजगार, उनमें से मेरे को जो नौकरी मिली है मैं उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ। इतने सारे लड़कों में सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू में तो बहुत खुशी की बात है, ये राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक प्रकार का राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया नवाचार है जिसमें बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित अवसर उन्हीं के घर में प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। यहाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि सीकर एक एजुकेशनल हब भी है, यहाँ कॉलेजेस भी हैं, स्टूडेंट लॉ भी बहुत ज़्यादा है। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। सीकर में कभी ऐसा जॉब फेयर हुआ नहीं है, पहली बार हो रहा है और यहाँ आने के बाद में बहुत लोगों को जॉब मिल रही है, सब लोग बहुत खुश हैं। राजस्थान ही भविष्य है। द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। राजस्थान ही है भविष्य। द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। राजस्थान ही है भविष्य। फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। राजस्थान ही भविष्य। राजस्थान ही है भविष्य। फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। राजस्थान ही है भविष्य। राजस्थान ही भविष्य। फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। राजस्थान ही है भविष्य। द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर।